इंदौर लोकसभा चुनाव के चलते शनिवार को क्षेत्र के 2 के वार्ड क्रमांक 23 में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं स्नेह भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी को लाखों मतों से विजय बनाने की शपथ ली थी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दोनों दलों के प्रत्याशी पुरजोर से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शनिवार को विधानसभा 2 के वार्ड 23 में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया था, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पंकज संघवी को जिताने की शपथ ली। कार्यकर्ता सम्मेलन में मध्य प्रदेश के युवा खेल मंत्री जीतू पटवारी, कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश चौकसे, क्षेत्र क्रमांक 2 से चिंटू चौकसे, मोहन सिंगर, राजू भदौरिया, जीतू त्रिपाठी, शिव घावरी सहित सभी वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे लोकसभा प्रत्याशी पंकज संघवी ने फिर एक बार सभी कार्यकर्ताओं से उन्हें जीत दिलवाने की बात कहते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सभी लोगों का काम अपने स्तर पर किया है। उनके पास से आज तक कोई भी कार्यकर्ता और आम जनता खाली हाथ नहीं गई है और आगे भी कभी खाली हाथ नहीं जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता भी मान रहे हैं कि इस बार पंकज संघवी उनके वार्ड 23 से करीब 3 से 4 हजार वोटों से जीतेंगे। इसके लिए शनिवार को अस्थाई कार्यालय का शुभारंभ भी किया है, ताकि गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। बाइट धर्मेंद्र मौर्य, कांग्रेस नेता, बाइट मनीष। आने वाले वक्ताओं से ये निवेदन रहेगा कि इस आपके प्रत्याशी बने और आज 2 नंबर के आपके वार्ड में यहाँ आए थे, जिस तरह का माहौल निकल सब लोग मेरी मदद करें, कांग्रेस पार्टी का सांसद यहाँ से होगा, आपका अपना सांसद होगा, ये विश्वास करना आप लोग, आपके काम ज्यादा होंगे, ये भी आप विश्वास करें। आज तक परदेशी पुरा से जितने लोग नगर आते हैं बच्चों के काम के लिए कभी कुछ खाली गया आज तक कि जिसका काम नहीं हुआ? आप सब लोग जो भी आते हैं बराबर काम होते हैं और आगे भी होते रहे। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। आदरणीय कमलनाथ जी ने आदरणीय राहुल जी के कहने से किसानों के 22 लाख किसानों के ऋण माफ कर दिए, 28 लाख किसानों के ऋण माफ इसके बाद कर रहे हैं। उसके बाद हमारी बुजुर्गों की पेंशन 300 रुपये थी, जो 600 रुपये मिलने लगी, कितने मिलने लगे इस महीने से मिलेगी नहीं, 600 मिलने लगी, हो गई। आप लोग जिसकी नहीं हुई हो वो 600 रुपये करा लेना, तो सबकी 600 रुपये महीना पेंशन हो जाए। आज कांग्रेस पार्टी की दे रहे हैं सब, जो सामूहिक विवाह या जो विवाह हो रहे हैं उस पर 21,000 के बदले 51,000 रुपये मिलेंगे, आपको ख्याल रखना। और ये कांग्रेस पार्टी की दे रहे हैं, या खाती की शादियाँ होने वाली है 7 तारीख को, इसमें हर एक ध्यान रखना है कि 51,000 रुपये लेना है आप लोग को, सरकार ने 51,000 रुपये 21,000, ये सब आपकी मेहनत और आपके लिए सरकार ने करे हैं। बिजली के बिल माफ कर दिए, 100 रुपये कर दिए हैं, लेकिन कुछ अधिकारी परेशान कर रहे हैं, जो बिजली कभी कभी जा रही है उनको भी ठीक किया जाएगा, इस चुनाव बाद उनका भी स्थानांतरण कर दिया जाएगा, जहाँ की बिजली जा रही है उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा। मैं अधिक कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आपका मेरा संबंध बहुत पुराना है,
आपके बीच में लगातार आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ और आप भी मेरे यहाँ संपर्क में रहते हैं। मैं आपके बीच में और मंत्री जी के बीच में अधिक समय नहीं लेते हुए हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और जीतू भाई आपसे रूबरू होंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय मतलब चुनाव में 2000 वोटों से लीड मिली थी, इस बार हमारा अनुमान है कि कम से कम 3-4 हज़ार वोट से इस वार्ड से जिताए हैं उनको। मतलब ये वार्ड का वार्ड नंबर 23 का आज ये वार्ड का कार्यालय का शुभारंभ कार्ड वार्ड वार्ड कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, कौन ने किया और क्या आपका उस कार्यालय का उद्देश्य क्या है? कार्यालय का उद्देश्य ये है कि गरीबों के वहाँ से काम हो, पेंशन है, राशन कार्ड है और जो भी गरीब आए तो खाली हाथ वहाँ से बिगड़ काम कराए नहीं, ये उद्देश्य से कार्यालय खोला गया है वार्ड क्रमांक 23 का। दो नंबर जो क्षेत्र है बीजेपी का गढ़ कहा जाता है लेकिन माहौल बहुत बदला हुआ नजर आ रहा है। माहौल कार्यकर्ता की मेहनत से बदला है, कांग्रेस निश्चित तौर से यहाँ से जीतेगी। आपका नाम है? धर्मेंद्र मोर्य। लेकिन यहाँ जो माहौल दिख रहा है पूरा कांग्रेसी माहौल है, क्या लगता है चुनाव में? एक तो सर्वप्रथम वक्त है बदलाव का, जो आप जन समूह देख रहे हैं वो भाजपा के झूठे वादों से खफा होकर कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है सारा मतदाता। इसी कारण जो वक्त बदलाव का जो स्लोगन है कांग्रेस का, उसी का नतीजा ये है कि आम जनता, आम नागरिक, बूथ पे बैठने वाला कार्यकर्ता, सब ये भीड़ जो है सारी बूथ के कार्यकर्ताओं की है। पंकज संघवी जी की ऐसी कौन सी बातें जो आपको अच्छी लगती है? पंकज संघवी जी आज नहीं पे कई वर्षों से सामाजिक समाज सेवी के रूप में स्थापित हैं और वो हर गरीब वर्ग के लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए प्रिय हैं। क्या लगता है अगर वो सांसद बने तो क्या? वो सांसद बने निश्चित तौर पर पूरे इंदौर शहर को स्वच्छ और स्वर्णमय को शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और गरीबी के लोगों को बहुत मदद करेंगे। आपका नाम? मनीष बेंडवाल, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड क्रमांक 23। जाता है तो यहाँ गढ़ भी ध्वस्त हो जाते हैं, आज अपने क्षेत्र में आकर देखिए। ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था कभी, और जब मैं महापौर लड़ा जब भी मैं इस वार्ड से 2000 वोट से ऊपर से जीता हूँ, इसलिए आप ख्याल रखो कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की तरफ है, लेकिन हमारे लोग सब ईमानदारी से एकजुटने का साथ दें तो यहाँ से कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। बेशक, अतः हमारा आपसे यही कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी, ऐसी मैं उम्मीद। शांति जो है, समर्थक आपके मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे, कांग्रेस के प्रति क्या लगता है? देखिए, हमारी सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के निवासियों ने हमारी सरकार बना दी हमारे, तो आज जो हमारा पुराना कार्यकर्ता जो 15 साल के बीजेपी की सरकार में कुछ कार्यकर्ता घर बैठ गया था वो भी निकल के आ गया है, इससे उत्साह और बढ़ गया है कांग्रेस में। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि और कार्यकर्ता जो अभी तक नहीं निकले हैं तो इस हफ्ते में वो सब भी निकल आएंगे। पंकज भाई, ये देखा जा रहा है, देखिए फ़ोन जब लोग अपनी उम्मीद से लगाते हैं कि बात करनी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे बात हो जाए और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है जो नहीं छूटे। आज लगातार यहाँ से अम्बेडकर नगर जाना है, उसके बाद KH कंपाउंड जाना है, उसके बाद तिवारी जी के यहाँ मेरे को संचार नगर जाना है, उसके बाद राजेंद्र नगर का एक भंडारा है। आप समझिए कि रात के 12-1 बजे तक ऐसे ही चलता रहता है, और कभी जिसके यहाँ लेट हो जाओ वो फ़ोन तो करेगा ही ना। तो अभी जैसे अम्बेडकर नगर के फ़ोन आ रहे हैं, KH कंपाउंड के फ़ोन आने लग गए, तो सब दूर जाना है इसलिए फ़ोन तो उठाना ही चाहिए। फ़ोन उठाने के लिए आपने कोई असिस्टेंट नहीं रख रखा, डायरेक्ट आप ही बात कर रहे हैं? मैं अपना असिस्टेंट खुद ही हूँ भाई साहब, असिस्टेंट क्या समझेगा किसका और क्या? सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे को ही सुनना पड़ेगा फ़ोन तो साहब। भारतीय जनता पार्टी के विधायक शायद इसीलिए चुनाव भी आ गए थे कि वो जनता का फ़ोन नहीं उठाते थे। आगामी आप जब चुने जाएँ तो क्या जनता को विश्वास दिलाना चाहेंगे? मेयर पे लोगों ने खूब विश्वास किया, इंदौर के लोग, महापौर चुनाव जीता दिया था, सरकार ने हरा दिया था, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे साथ पहले धोखा हो गया, जनता ने जो किया था उसका धोखा जनता इस बार पूरा कर लेगी
और कांग्रेस पार्टी के इस नुमाइंदे को संसद में पहुंचाएगी। धन्यवाद पंकज।